राजस्थान पुलिस एटीएस ने सही जांच नहीं की। ये एक बहुत बड़ा गंभीर इशू है। हम सबको याद है जब ब्लास्ट हुए थे, इतने लोगों की जान गई और फिर आरोपी को पकड़ा गया, इतने साल तक केस चला, लोअर कोर्ट ने इनको मौत की सजा सुनाई थी। तो फिर ये तो गृह मंत्रालय को या लॉ डिपार्टमेंट को आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि इतनी मौत की सजा सुनाने के बाद भी अगर हाई कोर्ट में, जैसा कि मैंने अखबार में पढ़ा है, जो ऑर्डर आया है उसमें कहा है कि इन्वेस्टिगेशन शायद ढंग से नहीं हो पाई थी या एविडेंस पूरी तरह कोलैबोरेट नहीं कर पाए थे या कहीं कमियां रह गई थी, ये बहुत ही गंभीर इशू है। मैं समझता हूँ इसमें तो जिम्मेदार लोगों पर जांच होनी चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि अगर जो ब्लास्ट किसी ने तो किया होगा ना और उन लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है लोअर कोर्ट से, तो सज़ा कम होना एक बात होता है या उसमें असहमति होना एक बात होता है, लेकिन उनको सबूतों की वजह से रिहा कर दिया गया है। और मुझे लगा कि जो जज ने सुनाया था वो भी पीड़ित थे, जो मुझे मैंने जो उनका स्टेटमेंट अखबार में पढ़ा है कि वो भी नहीं चाह रहे थे ऐसा हो, लेकिन अगर एजेंसीज काम नहीं कर पा रही हैं, सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रही हैं, ढंग से उसको पुख्ता रूप से प्रस्तुत नहीं कर पा रही हैं, ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर जाँच होनी चाहिए। गृह मंत्रालय, लॉ मिनिस्ट्री, जो भी है, इसमें तो जाँच करनी पड़ेगी, संबंधित लोग, अधिकारी, जो भी जिम्मेदार हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। गृह मंत्रालय के तो चीफ लेकर वे सही तरीके से पक्ष रख पाएंगे, क्योंकि इंसाफ बहुत सारे ऐसा है, जिनकी मौतें हुई हैं घरों में उनको भी तो हमें जवाब देना पड़ेगा ना। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें आरोपी मिलते नहीं हैं जो ऐसे घिनौने अपराध करते हैं, जब मिल जाते हैं लोअर कोर्ट से सजा हो जाती है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर जाएं। मुझे लगता है तुरंत प्रभाव से सरकार को उसमें अपील दायर करनी चाहिए और दोबारा से नए सिरे से इन्वेस्टिगेट करके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सबूत हैं, एविडेंस है, उस सबको इकट्ठा कर न्याय मिले लोगों को। अगर न्यायपालिका से हम न्याय नहीं दिला पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कमी होती है, तो उस कमी को पूरा करना पड़ेगा और कौन इसलिए जिम्मेदार हैं इसकी भी जाँच होनी चाहिए।